What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बना रहा हूँ आज, जिसे कोल्हापुरी कांदा लहसुन चटनी भी कहा जाता है. 32 इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ये मसाला बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है. और मेरी जो अगली रेसिपी है वो होने वाली है असल कोल्हापुरी झनझनीत मिसल पाव की रेसिपी, जो आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है. और उसके लिए इस मसाले को बनाना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आज ये एक अलग से वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ. बहुत ईजी प्रोसेस है और ये मसाले को यूज़ करके बहुत अलग अलग कोल्हापुरी डिशेज़ बनती है. इस मसाले के मेजर तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. सबसे पहला कॉम्पोनेंट है मिर्ची वाला कॉम्पोनेंट, उसकी तैयारी कर लेते हैं. यहाँ पर मेरे पास 75 ग्राम्स कश्मीरी मिर्च, 60 ग्राम्स बेड़गी मिर्च और 120 ग्राम्स लवंगी मिर्च है. अब ये मिर्चियों को 20 से 25 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर मैंने अवन में टोस्ट करके रखा हुआ है. टोस्ट करने के बाद मिर्चियाँ जो हैं थोड़ी सी सूख जाएंगी, जब आप तोड़ोगे तो इस तरीके से एकदम क्रंची हो जाएगी और इसे फिर ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी. अब मिर्चियों का जो ये डंडी वाला हिस्सा है, इस डंडी वाले हिस्से को आपको इस तरीके से तोड़ देना है और फेंक देना है. सारी मिर्चियों की डंडियाँ मैंने इसी तरीके से निकाल ली हैं और मिर्चियाँ जो हैं वो तैयार हैं अभी पीसने के लिए. तो मिर्चियों को अवन में आप टोस्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो दिक्कत नहीं है, आप धूप भी लगा सकते हो. बस एक दो दिन की धूप लगानी है मिर्चियों को और सुखा लेना है. अगर आपको सन ड्राई नहीं करना है मिर्चियों को तो एक तवे पर भी मिर्चियों को टोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मेन जो चीज़ है कि आपको मिर्चियों को थोड़ा सा सुखा लेना है कि आपको आसानी हो जाए इन्हें पीसने में, बस यही करना है. तो मिर्चियाँ हमारी अभी तैयार हो गई हैं पीसने के लिए, इसे हम वीडियो के एंड में पीसेंगे. अभी जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी तैयारी करते हैं. दूसरे कंपोनेंट में जो खड़े मसाले हैं, आधे खड़े मसालों को हमको ड्राई रोस्ट करना है और आधे खड़े मसालों को हमको तेल में फ्राई करना है. तो सबसे पहले जो खड़े मसाले ड्राई रोस्ट करने वो देख लेते हैं कैसा करना है. तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है. पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए. एक बार पैन आपका गर्म हो जाए तो गैस को एकदम धीमी कर दीजिए. अब मैं ऐड कर रहा हूँ 60 ग्राम साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स. अब आपको धनिए को थोड़ा सा भून लेना है. आज हम जितने भी मसाले ड्राई रोस्ट कर रहे हैं आपको बस थोड़ा सा भूनना है, इन्हें जलाना नहीं है, ये बात का ध्यान देना है. कभी भी कोई खड़े मसाले को आप भूनते हैं बस एकदम लो फ्लेम पे आराम से भूनिए, थोड़ी सी खुशबू आ जाए उसकी, हल्का सा गर्म हो जाए मसाला तो उसके जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं. बस उतना ही करना है, हमको जलाना नहीं है मसालों को, ये बात का आपको ध्यान देना है. अब आप देख सकते हो धनिए का हल्का सा रंग बदल गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है धनिए की. इस स्टेज पर मैं धनिए को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. अब इसी पैन में 25 ग्राम जीरा यानी क्यूमिन, 3 ग्राम शाहजीरा यानी कैरवे सीड्स और 12 ग्राम सौंफ यानी फेनल सीड्स मैंने ऐड कर दिए. अब इन मसालों को भी मैं सेम तरीके से भून रहा हूँ. एक बार आपके मसाले अच्छे से भून जाएं तो सेम जो बोल है उसके अंदर आप इन मसालों को ट्रांसफ़र कर दीजिए. सेम पैन के अंदर 12 ग्राम राई यानी मस्टर्ड सीड्स, 12 ग्राम सफ़ेद तिल यानी सेसमे सीड्स और 12 ग्राम खसखस यानी पॉपी सीड्स मैंने ऐड कर दिए. तो सेम तरीके से इन तीन मसालों को भी आपको हल्का सा भून लेना है. हल्का सा जो कलर है आपका चेंज हो जाएगा मसालों का और जो राई और सेसमे सीड्स हैं वो हल्की सी क्रैकल हो जाएगी. बस उस स्टेज तक आपको भूनना है. एक बार आपके मसाले इस स्टेज तक भून जाएँ तो आप सेम बोल के अंदर इन मसालों को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए. अब सेम पैन के अंदर आखिरी मसाला जो हमें ड्राई रोस्ट करना है, तेज पत्ता 5 ग्राम मैंने ऐड कर दिया, जिसे बेलीफ कहते हैं. इसको भी फटाफट से आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है. एक बात का ध्यान देना है, तेज पत्ता बहुत जल्दी जल जाता है, इसे कुछ सेकंड के लिए आपको रोस्ट करना है. एक बार आपका हल्का हल्का रंग चेंज हो जाएगा तेज पत्ते का तो इस स्टेज पर आप तेज पत्ते को भी सेम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे. तो जो खड़े मसाले हमें ड्राई रोस्ट करने थे हमने कर लिए. अभी कुछ मसाले ऐसे हैं जिन्हें हमें फ्राई करना है तेल के अंदर, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं. अब एक बोल के अंदर 5 ग्राम दालचीनी यानी सिनेमन, 5 ग्राम चक्री फूल यानी स्टार एनीस, 5 ग्राम लौंग यानी क्लोव्स, 12 ग्राम साबुत काली मिर्च यानी ब्लैक पेपरकॉर्न, 3 ग्राम मोटी इलायची यानी ब्लैक कार्डमम, 3 ग्राम हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम, 3 ग्राम जावित्री यानी मेस, 3 ग्राम त्रिफल और 3 ग्राम नाग केसर मैंने ऐड कर दिया है. अब एक कढ़ाई के अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम कर रखा है मैंने और आंच को एकदम धीमी कर रखा है. इस गरम तेल के अंदर आपको इन मसालों को फ्राई करना है. ध्यान देना है मसाले जलाने नहीं है, तेल आपका मॉडरेटली हॉट होना चाहिए और कुछ सेकंड के लिए आपके मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएं तो आपको निकाल लेना है. मसाले निकाल कर एक छन्नी के अंदर ऐड कर देना है. छन्नी के अंदर रखते ही जो बाकी का तेल है वो निकल जाएगा, कढ़ाई में वापस आ जाएगा और इस छन्नी को फिर बाद में एक बोल के अंदर रख दीजिए, जो भी एक्सेस और तेल होगा मसालों के अंदर वो बोल के अंदर निकल जाएगा. अब सेम कढ़ाई के अंदर 12 ग्राम
हल्दी यानी टर्मरिक, 3 ग्राम हींग का टुकड़ा यानी एसाफेटिडा, 3 ग्राम मेथी यानी फेनोग्रीक सीड्स मैंने ऐड कर दिए। इन मसालों को भी एकदम जल्दी से आपको फ्राई करना है, हल्की सी आपकी हींग सिजल हो जाए, हल्की सी आपकी हल्दी भून जाए। इस स्टेज पर सेम तरीके से मसाले यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ और छन्नी के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। अब आखिरी मसाला मैं फ्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 3 ग्राम पत्थर के फूल, जिसे दगड़ फूल भी कहा जाता है या स्टोन फ्लावर कहते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया है। इस मसाले को भी एकदम फटाफट से फ्राई करना है, जैसे ही तेल में डालोगे हल्का सा सिजल होएगा, फटाफट से निकाल लोगे तेल से और सेम छन्नी के अंदर प्लेस कर दोगे। तो हमारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट था खड़े मसालों वाला, वो भी तैयार हो गया अभी। अब हमारा सिर्फ थर्ड कंपोनेंट बाकी है, जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमें फ्राई कर लेना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई और तेल के अंदर 75 ग्राम्स प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। अब प्याज को आपको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने प्याज को अच्छे से 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर मैं 60 ग्राम्स लहसुन यानी गार्लिक और 25 ग्राम्स अदरक यानी जिंजर ऐड कर रहा हूँ। लहसुन और अदरक ऐड करने के बाद आपको फिर से मीडियम फ्लेम के ऊपर 3-4 मिनट के लिए लहसुन और अदरक को अच्छे से भूनना है। इसमें क्या होगा, लहसुन और अदरक भी भून जाएगा और प्याज थोड़ा और पक जाएगा। तभी आप देख सकते हो 3-4 मिनट के लिए मैंने और इसे पका लिया है और हमारा जो प्याज अदरक और लहसुन है वो अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर मैं इन्हें निकाल कर एक छन्नी में ऐड कर रहा हूँ। छन्नी में ऐड करते ही थोड़ा सा ऊपर से दबा कर इसका जो एक्सेस ऑयल है वो आपको निकाल देना है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने वो दबाकर ऑयल निकाल दिया, अभी इन्हें मैं साइड पे रख दूंगा। अभी इसी गरम तेल के अंदर आपको थोड़ा सा फ्रेश धनिया फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर दिया है और आपको इस हरे धनिए को क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। अब कुछ रेसिपीज़ में धनिया ऐड किया जाता है, कुछ रेसिपीज़ में नहीं होता है। मैंने जहाँ से सीखा है, मैंने जो रिसर्च की है, वो वाले रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो धनिया भी एकदम मस्त क्रिस्पी फ्राई हो गया है। इस स्टेज पर मैं धनिए को निकाल कर सेम छन्नी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो वेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हमें तेल में फ्राई करने थे वो हम कर चुके हैं। अभी आखिरी जो इंग्रेडिएंट है वेट इंग्रेडिएंट्स वाला, जो कि नारियल है, उसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, उसे तेल में फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 60 ग्राम्स फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके ऐड कर दिया है। अभी इस नारियल को आपको धीमी आंच पे आराम आराम से भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है और नारियल थोड़ा सा सूख जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं आराम आराम से मिक्स करते हुए नारियल को भून रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए, नहीं तो नीचे की लेयर जो है वो जल जाएगी, ऊपर की कच्ची रह जाएगी। मिक्स करते हुए आपको नारियल को भूनना है। अभी आप देख सकते हो कि नारियल जो है वो अच्छे से भून चुका है, कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो चुका है और नारियल थोड़ा सा सूख चुका है। इस स्टेज पर नारियल को मैं बाकी वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर रहा हूँ। तो अब हमारे मसाले के तीनों कंपोनेंट्स की तैयारी हो चुकी है, जो हमारी मिर्ची थी, खड़े मसाले थे और वेट इंग्रेडिएंट्स थे। अब तीनों कंपोनेंट्स को हमको अलग अलग पीसना है। सबसे पहले मिर्ची को पीस लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने तीनों मिर्चियों को ऐड कर दिया है और अब मिर्चियों का एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो मिक्सर ग्राइंडर की मदद से एक फाइन पाउडर बना दीजिए मिर्ची का। अब आप देख सकते हो कि मैंने मिर्चियों को अच्छे से पीस लिया है और एकदम फाइन पाउडर बन चुका है। ऐसे ही आपको मिर्चियों को पीसना है। अब इस मिर्ची पाउडर को एक बड़ी सी परात के अंदर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसे ही आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, आपको मसाले मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। अब इसी तरीके से खड़े मसालों को भी पीस लेते हैं। मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले थे और तेल में फ्राई किए हुए मसाले थे वो ऐड कर दिए। साथ ही में मैं 40 ग्राम्स नमक यानी सॉल्ट, 12 ग्राम सॉल्ट यानी जिंजर पाउडर, 2 ग्राम जायफल यानी नटमेग पाउडर ऐड कर दिया है। तो अभी इन खड़े मसालों को आपको एक साथ पीसकर एक फाइन पाउडर बना लेना है। पल्स मोड का यूज़ कीजिए, बंद चालू कीजिए मिक्सर ग्राइंडर को, आसानी हो जाएगी आपको इन खड़े मसालों को पीसना। आपको ध्यान देना है कि एक बार मसालों का पाउडर बन जाए इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है आगे, नहीं तो इनका ऑयल सेपरेट हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि मैंने मसालों को पीस लिया है और इसका एक पाउडर बन गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी तक आपको भी मसालों को पीस लेना है। अब इस मसाले को मैं मिर्ची वाली परात में ऐड कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट कंपोनेंट को ग्राइंड कर रहा हूँ, जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लिया है और इसकी अभी एक पेस्ट बना रहा हूँ। एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। ध्यान देना है कि आपको एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, एकदम फाइन सी पेस्ट बना लेनी है। आपको अगर मिक्सर खोल कर थोड़ा मिक्स करना पड़े तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो अभी मैंने एकदम फाइन सी पेस्ट बना ली है इस वेट इंग्रेडिएंट्स की। आप देख सकते हो इस तरीके की एक पेस्ट बन जाएगी। अब इस पेस्ट को मैं सेम परात के अंदर बाकी दो कंपोनेंट्स के साथ मिला रहा हूँ।
अब इन तीनों कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि कभी कभी मिर्ची थोड़ी नाखूनों में आ जाती है और काफ़ी जलता है, तो सेफ्टी के लिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। यहाँ पर अच्छे से इन तीन कंपोनेंट्स को आपको मिलाना है, मसाले को अच्छे से मिला लेना है, थोड़ा सा आपस में रब कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक कि ये एक साथ नहीं आ जाए। अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मसाले को मिला लिया है। इस स्टेज के ऊपर या तो आपको मसालों को एक बार मिक्सर ग्राइंडर में फिर से पीसना पड़ेगा या एक छन्नी की मदद से छानना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक मोटी वाली छन्नी ले ली है जिससे अनाज छानते हैं और इसकी मदद से मैं मसाले को फिर से छान रहा हूँ। आपको छन्नी को थोड़ा थोड़ा हिलाना है और जो मसाले को छन्नी के अगेंस्ट थोड़ा सा रब करना है। आप देखेंगे कि जो छन कर मसाला निकलेगा उसकी हल्की सी शक्ल चेंज हो जाएगी, एक साथ आ जाएगा मसाला और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मसाले को अच्छे से छान लेना है और आप देख सकते हो पूरा मसाला अच्छे से छन चुका है और थोड़ा सा भी मसाला जो है हमारा छन्नी में बचा नहीं है और हमारा कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से बनाया जाता है कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। अब इस मसाले को कई सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है और आपने देखा होगा काफ़ी मेहनत है इस रेसिपी में और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इसलिए महाराष्ट्रियन हाउसहोल्ड्स में साल में एक ही बार इस मसाले को बना लेते हैं। 3-4 किलो बना लेते हैं अपनी फैमिली की कैपेसिटी के हिसाब से और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में इसको साफ़ सुथरी जगह पर पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से मसाला बनाइए। ये क्वांटिटीज से 600 ग्राम मसाला बन जाता है और एक एयर टाइट कंटेनर में कम से कम साल भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में भी रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इस मसाले को यूज़ करके क्या क्या रेसिपीज़ बनती हैं, सबसे पहले तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको असल कोल्हापुरी झनझनीत मिसल पाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो बहुत टाइम से पेंडिंग है इस चैनल पर। और साथ ही मैं इस साल में और भी थोड़ी कोल्हापुरी स्पेशलिटीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे तांबड़ा रसा और पांडरा रसा के भी बहुत रिक्वेस्ट आए हैं तो वो भी रेसिपी जल्द शेयर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक ये मसाला आप घर पे बना के रखिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मसाला यूज़ करके बहुत ही डिलिशियस बनता है, एकदम स्पाइसी होता है और इसको एज कांदा लहसुन चटनी भी खाया जाता है भाकरी और प्याज के साथ, उसका भी मज़ा कुछ और आता है। तो ज़रूर बना के रखो ये कांदा लहसुन मसाला अपने घर पे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस कांदा लहसुन मसाला रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।